बीजेपी से चिराग पासवान जो है ना, चिराग पासवान का ज्यादा वोट लग रहा है यहाँ। 5 किलो राशन देने से कुछ होगा? कुछ नहीं होने वाला है। 400 पर कहता है। कौन सा सरकार बन के चुन के आए जो मतलब क्षेत्र के विकास के लिए? अरे राहुल गांधी है ऊपर। तो जाति धर्म से ऊपर उठ के वोट क्या मतदान करना चाहिए? मैं मतदान अपने मरते दम तक जहर पी लूंगा, लेकिन RJD के वोट दूंगा। 1000 करने पे फिर मतलब आपका गुजारा हो सकता है क्या? जनता के बीच आकर हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से जाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ अभी मौजूद हैं जो कि दूध व्यवसायी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या यहाँ पे क्या समीकरण लग रहा है हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में। हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में लग रहा है जो BJP का वोट जो है से ज़्यादा लग रहा है। BJP का? हाँ। आपको चिराग पासवान वर्सेस शिवचंद्र राम क्या कॉन्टेस्ट रहने वाला है? इसे BJP से चिराग पासवान जो है ना, चिराग पासवान का ज़्यादा वोट लग रहा है यहाँ हाजीपुर लोकसभा से। तो अभी ऐसा क्या समस्या है जो मतलब आप चाहेंगे कि अगर चिराग आपको लग रहा है कि अगर बेहतर करेंगे तो आने वाले समय में जो है क्षेत्र का कौन बेहतर करेंगे वो हम नहीं जानते हैं। अच्छा, कौन जो नेता भी आएंगे सब वही करेंगे, जो कुर्सी पर बैठेंगे वही करेंगे, लेकिन जिसका ज़्यादा अपना वोटिंग हो सके। तो क्या चिराग फेस मैटर कर रहा है या मोदी का चेहरा जो मतलब चिराग के बारे में आप ऐसा कह रहे हैं? इसे मोदी का चेहरा के लेके वैसा हो रहा है। अच्छा, क्योंकि जमुई से भी 2 बार सांसद रहे हैं तो वहाँ पे क्या उन्होंने विकास किया है और क्या होना चाहिए था? उनके चाहे उनके चाचा भी रहे पशुपति पारस, तो आपके क्षेत्र का क्या विकास किया, क्या कमी रह गई, तो इसको लेके आप मतलब क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र के विकास के जैसे देखिए, क्षेत्र के विकास के लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर जो है से रामविलास पासवान लोकसभा हाजीपुर से बहुत दिन रह चुके हैं, इसीलिए उन पर थोड़ा सा चिराग पासवान पर असर आ रहा है उनका पिताजी का, वही बात है। जैसे कि इनका कहना है, और आप तो डोर टू डोर जाते भी हैं, आसपास का क्या माहौल होगा, लोगों का क्या मंतव्य जानते भी होंगे कैसा? देखिए माहौल का कोई हमको वैसा हम बात नहीं करते हैं, लेकिन जो हम मेरा अपना समझ में आया सो मैं बात कर रहा हूँ। और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पे कौन सी पार्टी जो है अच्छे कंडीशन में है, कौन सा नेता जो है। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद मुस्लिम अंसारी। आपको क्या लग रहा है यहाँ से कौन सा पार्टी के उम्मीदवार, मतलब जैसे RJD से शिवचंद्र राम है और NDA से लोजपा से है चिराग पासवान जो कि रामविलास पासवान के पुत्र हैं, तो आपको क्या लग रहा है हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से इस बार कैसा फाइट होने जा रहा है? हम कुछ अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं। फिर भी आप वोट तो डालने जाइएगा ना मतदान केंद्र पे? वो क्या आएगा तो देखा जाएगा। आपका नाम? अनिकेत कुमार। आपको क्या लग रहा है कि मतलब इस बार क्या होने जा रहा है? जीतेगा तो BJP। BJP चिराग पासवान। चिराग पासवान। चिराग में ऐसा क्या आपको लग रहा है कि मतलब जीतेगा वही, मतलब अपने से क्या अपेक्षा रख रहे हैं आने वाले समय में? काम करते हैं तो जो काम करेगा वही ना जीतेगा। जो काम करते हैं वही जीतेगा, लेकिन मतलब आपको क्या फाइट महामुकाबला होने जा रहा है या फिर एक तरफा? हाजीपुर में मुकाबला वैसा नहीं देखा जा सकता, क्योंकि हाजीपुर में चिराग पासवान का ही वोटर सब दिन से रहा है और रहेगा। जैसे कि अगर BJP 24 में फिर से सरकार में अगर आती है तो आप मतलब उससे सरकार से क्या मतलब मांग करेंगे? युवा हैं, मतलब आपको क्या मतलब चाहिए कि मतलब आने वाले समय में आपका ख्याल रखे कोई भी पार्टी जो जीत? हाँ, तो देखिए 10 साल में हुआ है, आज से 70 साल पहले वाला कांग्रेस नहीं कर पाया है, तो अगला 5 साल आएगा तो जरूरी है कि और ज़्यादा काम करेगा। अच्छा, मतलब और विपक्ष जो है कह रही है एक तरफ की रोजगार और महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो आपको क्या लग रहा है? तो महंगाई बढ़ रहा है तो साथ में सबका आय भी बढ़ रहा है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। पहले लोग दिन भर में 300 कमाते थे, अब जरूरी है कि जो 100 बढ़ा है। महंगाई बढ़ा है तो रोजगार भले ही कम दे रही है सरकार, लेकिन सबका आय भी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। और भी युवा है, हम जाने की कोशिश करेंगे। बोलो बोलो, क्या अभी क्या लग रहा है मतलब जो हालात देख रहे हैं यहाँ पे कि मतलब कौन सी पार्टी अच्छी करने जा रही है? BJP। BJP मतलब BJP। तो आप जो है युवा है, चूंकि मत का जो फीसदी है वो गिरा भी है,
मतलब क्या वोट करने जाएंगे, कुछ लोगों को जागरूक भी करेंगे, कैसा रहा? वोट करने तो जाना ही पड़ेगा, वोटर लिस्ट में नाम आया है तो। 5 किलो राशन देने से कुछ होगा? कुछ नहीं होने वाला है, वो 400 पार कहता है। कौन सा सरकार बन के चुन के आए जो मतलब क्षेत्र के विकास के लिए? अरे राहुल गांधी है ऊपर, जो केंद्र में जो है राहुल गांधी का सरकार। ऐसा भी तो सत्ता पक्ष का आरोप है कि वो मतलब कि जो परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, और राहुल को पप्पू के भी नज़रिए से देखा जाता है कि वो मतलब काम करने में वो बोलते कुछ हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। जैसे परिवारवाद, तो परिवारवाद किस पार्टी में नहीं है, बीजेपी में है कि नहीं है? है, देखिए ऊपर से नीचे तक तो परिवारवाद है, कहाँ परिवारवाद नहीं है। आपको क्या वृद्धा पेंशन मिल रहा है? 1000 रुपया चाहिए। 1000 रुपया चाहिए? 400 मिलेगा। कितना अभी वर्तमान? 400 मिल रहा है। उनको है जो आप ऐसे पार्टी को चुनिएगा जो आपको आने वाले समय में 1000 वृद्धा पेंशन, तो हम उनको देंगे। देंगे मेरा यही बात, चाहे जो भी पार्टी, जितना वृद्धा आती है ना। जी जी, हम सब कह लिए 1000 मिलता ही ना, तो हम लोग सब वोट। तो जाति धर्म से ऊपर उठ के वोट क्या मतदान करना चाहिए? मैं मतदान अपने मरते दम तक जहर पी लूंगा, लेकिन आरजे जी के वोट दूंगा। ठीक है, यहाँ पे एक महिला मतदाता भी उपस्थित है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक आपका कोई केंद्र की योजनाओं का लाभ मिला है या नहीं? नहीं, नहीं मिला है। कोई वृद्धा पेंशन या फिर राशन कार्ड वगैरह? राशन कार्ड ना है, वृद्धा पेंशन 400 रुपया मिले। 400 रुपया मिलता है? हाँ, तो 400 में हमारा पेट भर जाए। अच्छा, हाँ 400 में पेट नहीं भरेगा। तो आपकी सरकार से मांग होगी, जो भी जो इस बार कैंडिडेट आप चुन के लोकसभा में भेजिएगा, तो मतलब क्या, मतलब चाह रहे हैं, कितना चाह रहे हैं? 400 से कितना बढ़ा कर दिया? 1000। 1000? 1000। 1000 करने पे फिर मतलब आपका गुजारा हो सकता है क्या? हाँ। और एक यहाँ पे बुजुर्ग जो है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक जो केंद्र जो कह रही है कि इतना जो योजनाएं है, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना है, फिर गरीबों के लिए आपको इंदिरा आवास योजना, या आपको पेंशन, वृद्ध हैं तो वृद्धा पेंशन, तो कितना आपको मिल रहा है या नहीं वृद्धा पेंशन? 400 मिल रहा है। 400 मिल रहा है? हाँ। राशन की राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा है। तो मतलब क्या केंद्र के कामों से आप संतुष्ट हैं? सर, अब संतुष्ट है, जब मिलता है तो उतने तक मैं संतुष्ट। मतलब और आप क्या अपेक्षाएं रख रहे हैं? अभी जो वोट डालने जाइएगा, आपके जेहन में क्या ऐसा सवाल मतलब चलेगा जिसको लेके आप मतलब वोट करेंगे? वोट अब केकरा पड़ते से तो अब लालू यादव के दे भाई। हाँ हाँ, तो और भी इधर कुछ चेहरा है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप तो राष्ट्रीय जनता दल का आप गमछा भी ओढ़े हैं, तो क्या आप उन्हीं का मतलब शुरू से ही सपोर्टर रहे हैं? महागठबंधन को जाएगा वोट। अच्छा, महागठबंधन को जाएगा। और आप जो हैं इस बार चुनाव में मतलब क्या, मतलब अपने जो प्रतिनिधि जो है जो चुनाव लड़ रहा है, आरजेडी से सिकंदर राम है, और लोजपा आर से चिराग पासवान जो कि रामविलास पासवान का पुत्र हैं, तो मतलब आप जो यहाँ पे हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में मतलब कैसा मतलब फाइट देखने जा रहे हैं? मतलब महामुकाबला होगा, कांटे का टक्कर होगा या एक तरफा मतलब होगा? कांटे का टक्कर होगा, एक तरफा कैसे हो जाएगा? कांटे का टक्कर होगा। कोई भी उम्मीदवार मतलब जीत सकता है? जीत सकता है। तो आप देख रहे हैं कि क्या है जनता का मिजाज, चूंकि चुनाव आयोग का कहना है कि गर्मी के कारण मतदान का जो फीसदी है वही गिर रहा है, लोग बढ़ चढ़ के मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो कि चुनाव आयोग को भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि मतदाता को कैसे जागरूक किया जाए, उनके लिए क्या सुविधाएं जो है मतदान केंद्र पे उपलब्ध मुहैया कराई जाए जिससे कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनके सेफ्टी का भी ख्याल रखा जाए। और विशेष आपको हाजीपुर संसदीय क्षेत्र हो या बिहार के विभिन्न जगहों से लोकसभा चुनाव में क्या है जनता का मिजाज, आपको पल पल के अपडेट इसी तरह से देते रहेंगे।